हेलो गाइज, यू ऑल आर वेलकम अगेन एंड आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज एस एन वन रिएक्शन. प्रीवियसली आई थिंक आई टॉट अबाउट दैट एस एन टू रिएक्शन. सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड बिफोर मूविंग डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स प्रॉपरली. तो एस एन वन रिएक्शन एंड येस वाइल वॉचिंग द वीडियोज यू शुड हैव पेन एंड पेपर विथ यू विच विल हेल्प यू आउट. तो एस एन वन रिएक्शन ना, एस एन टू रिएक्शन वॉट इज fancy about this SN1 reaction is that SN1 reaction proceeds in two steps. Okay, SN2 reaction was proceeding in one step. It is very simple type of reaction. The basics are very clear and very simple. Look, in SN2 reaction, if there were a lot of steric hindrance, अगर steric hindrance बहुत ज़्यादा होता था तो nucleophile attack नहीं कर पाता था. मतलब अगर 3 डिग्री का हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता था तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना मुश्किल हो जाता था. तो उन केसेस में अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करानी है सो वी विल बी यूजिंग दिस पाथवे. तो इट इज़ जस्ट अ पाथवे, अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ओके, इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिमोलिकुलर दैट वी विल टेल यू लेटर. तो लेट मी फर्स्ट राइट द रिएक्शन दैट हाउ इट प्रोसीड्स. तो इट इज़ लाइक CH3 whole thrice CCl and it is first getting polarized, solvated you can say, hydrated you can say, and it is forming the carbocation CH3CC+ and getting rid of the Cl-. This step is also the RDS of the reaction. I'll tell you about each and everything properly in detail. ठीक है, पहले मेरे को रिएक्शन लिख लेने दो, उसके बाद फिर अपन डिटेल में बात करते हैं. एंड नाउ दिस कार्बोकैटायन, एनी न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक हियर वेरी इजली. सो वी हैड द न्यूक्लियोफाइल प्रीवियसली OH-. सो अगेन विदाउट डूइंग एनी पार्शियलिटीज लेट अस हैव द कटायन एज OH- ओनली. तो OH- getting attack, getting its attack rear end, it will make CH3 whole C pe OH. So finally we are getting the alcohol only and it is a nucleophilic substitution type of product because yahan bhi kya hua hai, ek yahan se leaving group nikal gaya aur finally hamara jo nucleophile hai wo is position pe attack kar gaya, attach ho gaya. SN2 se ye reaction nahi ho sakta tha because I have told you that SN2 reaction is totally based on the steric factors. तो अगर यहाँ पे कार्बन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है तो SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा. तो इसलिए हम ये पाथवे यूज़ करते हैं. तो देखो पहले वाले रिएक्शन में, पहले वाले स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे उस चीज़ को समझते हैं. पहले वाले स्टेप में जो हो रहा है ना, उसको एक्चुअली अपन कह सकते हैं सॉल्वेशन. और इफ द सॉल्वेंट यूज इज स्पेसिफिकली वाटर देन यू कैन कॉल इट हाइड्रेशन एज वेल. तो ये इसको बोल सकते हो आप हाइड्रेशन. तो देखो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होना चाहिए ना, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए. तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो हमारा SN1 रिएक्शन ज़्यादा बेहतर रूप से फेवर कर सकता है. मतलब SN1 डोमिनेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बन सकता है. तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या खास है, इसकी ये जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो इसकी वैल्यू होती है ये हाई होती है. तो डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू हाई होने का मतलब बस इतना आप समझो कि वो जो है सबस्ट्रेट को पोलराइज अच्छे से करेगा. तो अब ये डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू हाई है तो ये जो सॉल्वेशन हो रहा है ये सॉल्वेंट के कारण हो रहा है. यहाँ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट प्लेइंग इट्स पार्ट. न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इसका अपना पार्ट नहीं प्ले कर रहा है. तो अभी देखते हैं कि क्या होगा. तो वॉट विल हैपन, लुक दिस इज CH3 होल थ्राइस CnCl एंड वी हैव वाटर मॉलिक्यूल आउट हियर. सो दिस डेल्टा प्लस ऑफ वाटर एंड डेल्टा माइनस ऑफ Cl, दे कैन इंटरैक्ट प्रॉपरली, दे कैन इंटरैक्ट एंड दिस बॉन्ड विल अल्टीमेटली ब्रेक एंड विच विल गिव यू दैट कार्बोकैटायन. तो इट्स वेरी सिंपल. तो दिस विल इंटरैक्ट, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस विल गिव यू अ कार्बोकैटायन. एंड टू दिस कार्बोकैटायन यू कैन ऐड न्यूक्लियोफाइल. आई एम नॉट गोना डिस्कस द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन, दैट आई विल डिस्कस लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियोज. तो OH- गेटिंग अटैक ओवर देयर and formation of this. So this is how it is solvated. Now how to determine the rate of reaction. So for rate of reaction what is to be done, very simple. Look, rate of reaction is totally based upon the fact that how much is the stability of this carbocation formed. Because if carbocation is more stable, ध्यान से समझो, हिंदी में समझो, अगर ये carbocation क्या है, ज़्यादा stable होगा, अगर ये carbocation ज़्यादा stable होगा
तब ये RDS जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर स्टेबल कटायन बन रहा हो तो ये स्टेप होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ऐसा एल्काइल हैलाइड है CH3Cl और मैं कह रहा हूँ कि इसका सॉल्वेशन करके मुझे इसका कार्बोकटायन बनाना है, अगर इसका मैं सॉल्वेशन करता हूँ और मुझे इसका कटायन बनाना है तो वॉट टाइप ऑफ कटायन आई कैन गेट इज समथिंग लाइक दिस CH3+। तो इज इट अ गुड कटायन? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज इट डजंट हैव हाइपर कंजुगेशन, इट इज़ नॉट स्टेबलाइज्ड बाई इंडक्टिव नीदर बाई रेजोनेंस, कुछ भी नहीं काम कर रहा, इट इज़ अ पुअर कार्बोकटायन। तो इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस अगर आपके पास ऐसा कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रहा है देन यू कैन नॉट गेट द प्रोडक्ट वाया SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म से आपको प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। एंड देन एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे, वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिमोलिकुलर बिकॉज इन RDS यू कैन सी, आप देख सकते हो इसका जो RDS है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। RDS रेट, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो रेट कॉन्स्टेंट हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो दो चीज़ें होती हैं। SN2 में क्या हो रहा था, सबस्ट्रेट भी था और न्यूक्लियोफाइल भी था, सिंगल स्टेप ट्रांजिशन स्टेट बनता था और उसके बाद फिर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपना पार्ट ले रहा है नेक्स्ट स्टेप में, विच इज़ नथिंग बट द फास्ट स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप में अपना पार्ट ले रहा है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में जो सॉल्वेशन हो रहा है उसमें आपका सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है सिर्फ, तो जो रेट होगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल, सिंपल सी बात। तो रेट अगर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मतलब इट इज़ डिपेंडिंग ओनली ऑन ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड हेंस इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यू माइट हैव स्टडीड दिस इन द केमिकल काइनेटिक्स। तो होप सो आपको बेसिक्स समझ आए होंगे। एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर आई हैव टोल्ड यू, इफ द कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टिविटी इज मोर। तो डोंट लुक फॉर स्टेरिक हिंड्रेंस ओवर हियर, हियर इनडायरेक्टली यू कैन से दैट स्टेरिक हिंड्रेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग द रिएक्शन गो फॉरवर्ड, बिकॉज इफ देयर इज मोर एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट तो द कार्बोकटायन फॉर्म्ड इज अल्टीमेटली मोर स्टेबल एंड रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड फॉर श्योर। If you like this video, hit the like button and share it as much as you can. Thanks.